हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, मैं जैसा कि मेरा इस वीडियो का टॉपिक पढ़कर आप जान ही गए होंगे कि मैं आपसे एक विशेष महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। तो वो विशेष बात यह है कि दोस्तों, जैसा कि कुछ मेरे दोस्त जानते होंगे, सारे व्यूवर्स शायद नहीं जानते होंगे या सारे लोग नहीं जानते होंगे, मगर शायद कुछ व्यूवर्स या कुछ हमारे दोस्त जानते होंगे कि हमारा यह अगहन का महीना चल रहा है, जो कि 2 दिन में ख़त्म होने वाला है। पूर्णमासी से यह अगहन का महीना ख़त्म हो जाएगा और 14 दिसंबर 2019 से पौष माह का महीना शुरू हो जाएगा। यह पौष माह का महीना 13 जनवरी 2020 तक रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि इस पौष के महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। कुछ लोग यह जानते भी होंगे कि 1 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य, शादी ब्याह, गौना या और भी कुछ, जैसे मुंडन संस्कार है और इस तरीके के मांगलिक कार्यक्रम इस 1 महीने में नहीं होते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह कार्य तो नहीं होते हैं, ये तो ज़्यादातर सबको पता होगा, पर शायद आपको यह नहीं पता होगा कि इस 1 महीने में आप और भी कई विशेष काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई व्रत रख रहे हैं, जैसे महालक्ष्मी व्रत है, वैभव लक्ष्मी व्रत या बृहस्पतिवार व्रत है, सोमवार व्रत है, इस तरीके के व्रत अगर आप कर रहे हैं और आपका उद्यापन करने का दिन आ गया है या आप उद्यापन करना चाहते हैं, तो आप 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक कोई भी उद्यापन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके व्रत पूर्ण भी हो गए हैं तो भी नहीं कर सकते हैं। चाहे तो आप, अगर आपके व्रत पूर्ण हो गए हैं तो आप 1 महीने के लिए व्रत को आगे बढ़ा दें, या अगर आपकी इच्छा हो तो उन व्रत को जो है आप रखते रहें, पर आपके जितने भी उद्यापन हैं वह 13 जनवरी के बाद ही होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर बनना स्टार्ट हो रहा है, अगर आप गृह प्रवेश की सोच रहे हैं, तो भी इस 1 महीने में नहीं हो सकता। अगर आपका घर बन रहा है तो वह बनता रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप घर बनवाने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको कल और परसों तक में ही स्टार्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद आप 14 दिसंबर से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। और या तो हो गई गृह प्रवेश क्या सॉरी, और दूसरा ये कि अगर आप कुछ ऐसे भगवान की मूर्ति लाना चाहते हैं, कोई विग्रह लाना चाहते हैं अपने मंदिर के लिए, या अगर आपका मंदिर बन गया है और आप स्थापना करना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो दोस्तों खास तौर पर याद रखिए, चाहे वह भगवान का ही मंदिर है लेकिन फिर भी आप भगवान की नई मूर्ति इस 1 महीने नहीं ला सकते हैं। किसी भी मंदिर की स्थापना, किसी भी मूर्ति की स्थापना, किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा इस पौष माह के 1 महीने में नहीं होगी। और दोस्तों, यह हमारे हिंदी पंचांग का, हमारे हिंदू वर्ष का जो है 10वां महीना है, ठीक है। ऐसे तो हम लोगों का 12 दिसंबर चल रहा है, तो अंग्रेजी महीने के हिसाब से जो है, अंग्रेजी वर्ष के हिसाब से सॉरी, यह हम लोगों का 12वां महीना रहता है, साल का लास्ट महीना रहता है। पर अगर हम लोग अपना हिंदी पंचांग देखेंगे, जिससे हम लोग तिथि वगैरह देखते हैं, जिस पंचांग के आधार पर ही हमारे सारे संस्कारों की तिथि निकलती है, चाहे वो मुंडन हो, छेदन हो या गौना हो, शादी ब्याह और कोई भी विशेष कार्यक्रम, जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन निश्चित करना है, गृह प्रवेश का दिन निश्चित करना है, तो इन तरीके की जितनी भी तिथियां निकलती हैं वह हमारे हिंदी पंचांग से ही निकलती हैं। तो दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार यह पौष का महीना हमारा 10वां महीना माना जाएगा, हमारे साल का 10वां महीना माना जाएगा। तो यही विशेष बात मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई चीज़ पता होती है पर हमारे दिमाग से निकल जाती है, हम सोचते हैं कि मतलब अभी हमारे पास समय है, ये हम कर सकते हैं, मगर फिर एकदम से याद आता है और तब तक हमारा समय निकल गया होता है और फिर हम अटक जाते हैं, वह काम नहीं कर पाते हैं। तो इसी विषय की वजह से मैंने आपको याद दिलाने की कोशिश करी है कि जो भी अगर आपको कोई काम हो सकता है, अगर 2 दिन में हो सकता है कोई छोटा मोटा काम, जैसे कि अगर आपको बृहस्पति का उद्यापन करना है तो आप इसी बृहस्पति को आप कर सकते हैं।
ठीक है, उसके बाद आप 1 महीने तक कोई भी उद्यापन नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई व्रत उठाना भी चाहते हैं तो भी आप इस 1 महीने तक नहीं उठा सकते हैं, इस पौष महीने 13 जनवरी 2020 के ख़त्म हो जाने के बाद ही उठा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई विशेष श्रृंगार सामग्री लाना चाहते हैं, जैसे कि पाँव की बिछिया हो गई या सिंदूर हो गया, या आपका किसी भगवान के लिए मान मंता जिसको बोलते हैं, आपने कुछ माना है, आपका पूरा हो गया और आपको चढ़ाना है या चढ़ाने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों आप कल या परसों यानी बुधवार बृहस्पतिवार तक आप अपना ये काम कर सकते हैं। और अगर आप अभी सक्षम नहीं हैं और अभी नहीं करना चाहते हैं, कोई व्यक्तिगत कारण है, कोई विशेष कारण की वजह से आप वो मान पूरा करने में अभी सक्षम नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आप निराश ना हो, आप इस पौष माह के महीने में वो काम भी नहीं कर सकते हैं। और उस पौष माह के 13 जनवरी 2020 के ख़त्म होने के बाद आप कोई भी जो है अपना यह कार्य कर सकते हैं, कोई व्रत उठा सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं, या किसी मंदिर में आपको जा कर वहाँ का मान मंता पूरा करना है तो वहाँ का काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यह बात याद रखिए कि हमारा खर मास स्टार्ट होने वाला है, और यह खर मास यह खर मास जो है हमारा 14 दिसंबर दिन शुक्रवार से स्टार्ट हो जाएगा और यह 13 जनवरी 2020 तक रहेगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो आप इस 2 दिन में कर सकते हैं, छोटा मोटा कोई भी काम है, तो आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन 2 दिन में स्टार्ट कर लीजिए, वरना आपको पूरा 1 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो बस इसी टॉपिक पर था और मैं आपसे बस यही शेयर करना चाहती थी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों चलती हूँ मैं, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।